आप लोगों के सामने बिजनेस करने का एकदम सीक्रेट फार्मूला लेके आए हैं। मात्र 15,000 रुपए लगाइए और 6 महीने में आपका 10 लाख रुपए रेडी हो जाएगा, वो भी घर बैठे। चाहे आप 15 के हों, चाहे आप 55 के हों, चाहे आप 60 के हों, आप स्त्री हैं पुरुष हैं कोई मतलब नहीं, कोई दुकान नहीं चाहिए, आप घर से बिजनेस करिए। यह जो प्रोडक्ट का बिजनेस हम बताने जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट अपने आप बिकता है, लोग आके आपके घर से खरीद के ले जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास अगर 15,000 रुपये है और 20 मिनट का समय है दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखिए, एक एक पॉइंट आज हम आपको क्लियर कर देंगे। अगर बिजनेस करना है तो, नहीं तो बस ऐसे चलो देख लेते हैं तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। रियलिटी एकदम बताऊंगा, मैं कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं और कमा सकते हैं, ये कोई सीक्रेट बिजनेस नहीं बताता है। मैं तो इसलिए बता देता हूँ कि मेरा एक ही उद्देश्य है, सब लोग बिजनेस करें, दूसरे को रोजगार दें और वो अपने सपने को पूरा करें। इसी उद्देश्य से इस चैनल को बनाया हूँ और इसी उद्देश्य से इस चैनल पे अच्छी से अच्छी जानकारी देता हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों बिजनेस शुरू करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे आप लोगों से बिजनेस सीक्रेट रखेंगे, बिजनेस का नाम हम लास्ट में बताएंगे, लेकिन उसके पहले बिजनेस कैसे किया जाएगा, सारी चीज़ें कैसे आपका 15,000-10 लाख रुपए बन रहा है 6 महीने में, सब कुछ डिटेल आपको बताएंगे। इसमें कहीं पैसा डूबना नहीं है। ये उसके पहले ये जान लीजिए, आप बैंक में पैसा रखते हैं, सेविंग अकाउंट में आपको 4% ईयरली मिलता है। आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो आपको 12% ईयरली मिलता है। अगर आप फेयर मार्केट में गेम खेलते हैं उसके लिए नॉलेज चाहिए, अगर आपका नॉलेज नहीं है तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे, तो उसमें भी आप नहीं लगा सकते। लेकिन जो बिजनेस में बता रहा हूँ इसमें आपके एक पैसे नहीं है, अगर आपने 15,000 का जो सामान खरीदा आप नहीं बेच पा रहे हैं किसी कारण पर, अलग नहीं बेचने का कोई सवाल ही नहीं, नहीं बिकने का कोई सवाल ही नहीं, इसको आप अपने घर में ताला में बंद कर देंगे, बाहर बोर्ड लगा देंगे तो लोग आपसे आप उस रेट पर लेके मांग के चले जाएंगे, कुछ कहना ही नहीं है, यानी कि सामने बताया। तो जितने आपने खरीदा है जब चाहेंगे तब बेच सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आपको सिर्फ 15,000 रुपये की ज़रूरत है। 15,000 में वो बिजनेस आपको 100 पीस मिलेगा और एक जो प्रोडक्ट है ना, ये डेली गरीब अमीर सबके घर की नीड है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, धुआंधार बिकता है, इतना आप जान लीजिए। बिना किचन इस प्रोडक्ट के किचन यूज ही नहीं हो सकता है, बिना किचन का कोई खाना बिना इसके बन ही नहीं सकता है, इस जान लीजिए कितना जरूरी प्रोडक्ट है। तो दोस्तों आपको 150 रुपये मिला, तो उसके हम थोड़ा सा और डिटेल समझा देते हैं। उसकी MRP जो है होगी लगभग 190 रुपये, 180 रुपये, वो 150 रुपये आपको मिलेगा और वो मार्केट में बिकता है दोस्तों कितने में, 170 रुपये, 165 रुपये, इससे नीचे कोई नहीं बेचता है। जो बेचता है वो आप यहाँ पे उसको कितने में बेचेंगे, जो आपको 150 रुपये में मिल रहा है यहाँ पे आप उसको बेच रहे हैं 154 रुपये में। तो दोस्तों 3% पे, यहाँ परसेंट पे बिजनेस करना है, 3% पर डे के हिसाब से बिजनेस करना है। तो आपने 15,000 का 100 पीस खरीदा, 3% के हिसाब से आपका 450 रुपये प्रॉफिट हुआ। 450 × 15 आप कर देंगे, 450 × 15 हम यहाँ पे एक महीने को 2 बार में डिवाइड किए हैं, एक महीने में 2 बार को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा 15 दिन का सेल है प्रॉफिट है और जो मूलधन है फिर हम उसको मूलधन में कन्वर्ट कर देंगे, फिर हम जो कमाएंगे उसको फिर हम मूलधन में कन्वर्ट कर देंगे। इस हिसाब से हम यहाँ पे इस फार्मूले से हम कर रहे हैं, देख रहे होंगे, मूलधन ब्याज 15 दिन, फिर मूलधन ब्याज 30 दिन, यानी कि एक बार 15 दिन का, फिर एक बार 15 दिन का, 2 बार में हमने इसको डिवाइड किया है। तो जैसे 450 रुपये आपका बिक्री हुआ, 3% के हिसाब से प्रॉफिट हुआ आपका 450 रुपये, 15 दिन का दोस्तों 15 से गुणा कर देंगे, 6,750 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया 15 दिन का, और मूलधन कितना है 15,000, तो 15,000 में 6,750 ऐड कर देंगे तो 21,750 रुपये आपके प्रॉफिट हो गए 15 दिन के, प्लस मूलधन, इसमें आपका 15,000 मूलधन भी ऐड है क्योंकि आप 15,000 रुपये लगाए हैं। एक चीज़ और ख्याल करिए, यहाँ पे 6 महीने तक एक पैसे नहीं निकालने हैं, जो भी खर्चे लगे वो आपको अपने जेब से देने हैं। पहली बार तो खर्चे लगने ही नहीं है क्योंकि आप एक घर से बिजनेस कर रहे हो। अब इसके बाद दोस्तों 21,750 का आपने माल खरीदा, यहाँ पे आपको माल मिला 145 पीस, 3% के हिसाब से 652 रुपये एक दिन का आपको प्रॉफिट हो गया,
अब 15 दिन का इसको गुणा करोगे 9,787 रुपये आपको प्रॉफिट हो गया। 9,787 प्लस 21,750 ऐड कर दोगे 31,535 रुपये, यानी एक महीने में आपका 15,000 बन गया 31,537 रुपये, यानी आपका पैसा डबल हो गया। अब फिर हम आ गए दूसरे महीने में, दूसरे महीने का हम पूरा माल खरीदेंगे 31,537 का हमको यहाँ मिलेगा 200 पीस। अब 31,537 का 3% घिंचा फिर आपका हो गया 946 रुपये प्रॉफिट एक दिन का, तो 15 दिन का कितना हो गया 14,191 रुपये और प्लस 31,537 आपका मूलधन है, दोनों में ऐड कर देंगे 45,728 रुपये आपका हो गया मूलधन। अब इस मूलधन को फिर हम अगले में ऐड कर देंगे, यहाँ हो गया 45,728 को 3% हम निकालेंगे 1371 रुपये, 1371 को हम 15 दिन में कितना हो गया 20,577 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया 20,577 रुपये प्लस हमारे पास 45,728 रुपये मूलधन है, दोनों को ऐड कर देंगे 66,305 रुपये आपका 60 दिन में 66,305 हो गया, यानी कि आपका पैसा 4 गुना हो गया 15 चौका 60। यहाँ पे आपके पैसे 4 गुने हो गया 15 चौका 60 दोस्तों। अब फिर हम आते हैं तीसरे महीने में, यहाँ पे हो गया 66,305 को इंटू 3% हम करेंगे 1889 रुपये एक दिन का प्रॉफिट हो गया, तो 15 दिन का कितना हो गया 29,835 रुपये प्लस 66,305 इसको हम ऐड कर देंगे हो गया 96,140 रुपये आपका हो गया 96,140। अब हम 96,140 को फिर दोस्तों मूलधन में ले लिए, फिर हम उसको हम सामान खरीदेंगे जो हमको खरीदना है, वो हमको सामान मिल गया 640 रुपये 640 पीस मिल गया। अब यहाँ का हमारा 3% हिसाब से 2884 रुपये एक दिन का प्रॉफिट हो गया, इंटू 15% करेंगे 3×15 का हो गया दोस्तों 43,263 रुपये प्रॉफिट प्लस 96,142 दोनों को ऐड कर देंगे 1,39,406 रुपये 1,39,406 यहाँ पे क्या हो गया आपका मूलधन रेडी हो गया, यहाँ पे आपका मूलधन रेडी हो गया। महीना कितना कंप्लीट हो गया 3 और दिन कितने हो गए 90 दिन में आपके पैसे 15,139,406 हो गया। अब हम फिर चौथे महीने में एंट्री करेंगे, हमको खरीदना कितने का है 1,39,400 का पूरा माल लेना है, 3% के हिसाब से प्रॉफिट निकालेंगे 4,182 एक दिन का प्रॉफिट हो गया। अब गुणे इंटू 15 कर देंगे दोस्तों कितना हो गया आपका 62,732 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया प्लस 1,39,406 ऐड कर देंगे यहाँ पे 2,02,138 रुपये 2,02,138 हो गया। अब इस 2,02,138 को हम 3% लेते हैं 6,664 रुपये आपका एक दिन का प्रॉफिट हो गया, एक दिन का 6,664 रुपये को हम 15 दिन से डिवाइड कर देंगे तो 90,962 रुपये 90,962 रुपये प्रॉफिट हो गया 15 दिन का, 2,00,000 में ऐड कर देंगे तो 293,100 रुपये 293,100 रुपये आपका 4 महीना कंप्लीट होते होते हो गया है। अब हम एंट्री करते हैं पांचवें महीने में हम अपना जो प्रॉफिट आप 3% पे कर रहे हैं वो प्रॉफिट हम अपना घटा देते हैं 2% पे कर देंगे, उसमें रीजन है। अब यहाँ आपके पास माल बहुत ज़्यादा आने लगा, अब यहाँ पे हमको किसको आकर्षित करना है जो हमारे एरिया के छोटे मोटे दुकानदार हैं, तब तक हमारी प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो गई है। अब हमें यहाँ पे कुछ कागजात भी लेने पड़ेंगे, कागजात में आपको सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर लेना है, जीएसटी नंबर दोस्तों आप खुद अप्लाई कर सकते हैं या सेंट्रल ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू लेना है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज घटा देंगे अपने, हम प्रॉफिट 2% रख देंगे क्योंकि मेरे पास स्टॉक ज़्यादा होगा, माल ज़्यादा आने लगेंगे। अब यहाँ से जो है हमारे यहाँ से थोक दुकानदार भी ले जाएंगे, रिटेलर दुकानदार भी ले जाएंगे, तो परसेंटेज हमने घटा दिया। तो 2,93,100 को हमको दोस्तों 2% के हिसाब से 5,862 रुपये पर डे इनकम हो रही है। यहाँ पे हमारा माल मिल रहा है 1954 पीस, इतने का हमको 1954 पीस है, अभी को हमारा बिक जाना है डेली, इसलिए हम यहाँ पे परसेंटेज घटा दिए हैं। तो दोस्तों 5,862 को 15 से डिवाइड करें गुणा करेंगे इंटू हो गया यहाँ पे 87,930 रुपये प्लस 2,93,100 को ऐड करेंगे तो 3,81,030 रुपये हो गया 15 दिन की इनकम, मूलधन मिलाकर ब्याज दोनों मिला के। अब 3,81,030 को हम 2% लेते हैं 7,620 रुपये 7,620 एक दिन की प्रॉफिट हो गया इंटू 15 कर देंगे तो 1,14,309 रुपये
114,309 को ऐड कर देंगे 381,030 रुपये में, तो 495,339 रुपये हमारा पाँचवा महीना कंप्लीट होते होते 495,339 रुपये हमारे पास पूंजी रेडी हो गई है। अभी मूलधन को फिर हम ऐड करेंगे 495,339 × 2% तो आपका 9,906 रुपये पर डे की प्रॉफिट हो रही है, इंटू 15 कर देंगे दोस्तों 148,590 रुपये, 495,339 को ऐड करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 643,929 रुपये, 643,000 हो गया आपका मूलधन। अब 643,929 को इंटू 2% करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 15,800 कुछ रुपये एक दिन का प्रॉफिट, और इसको हम गुणा करेंगे 15 से तो दोस्तों हो गया 297,191 रुपये, 297,191 इंटू ऐड करेंगे 643,000 को, तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 941,120 छः महीने कंप्लीट होते होते। अब छठे महीने के बाद हमने यहाँ पे नहीं निकाला है इसी तरफ, अब यहाँ पे आप छठे महीने के बाद आपके पास पूंजी काफ़ी हो गई है। अब यहाँ पे आपको खरीद कितना मिल रहा है 4,292 पीस मिल रहा है। अब इस पीस को बेचना भी है, स्टॉक नहीं जमाना है। अब हम इस पीस को निकालने के लिए दो तरीके अपनाएंगे, इस पीस को निकालने के लिए या तो अपना कोई ब्रांच खोल दें या फिर दोस्तों हम इसके मार्जिन जो अपना 2% रखे हैं इस मार्जिन को हम और घटा देंगे 1% कर देंगे। तो जब हम इस मार्जिन को 1% कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारा 9,000 हो रहा है तो इसका हम इतने का खरीदेंगे, तो यहाँ पे 1% करेंगे तो भी हमारा, चूंकि माल हमारा इतने का आएगा तो भी हमको 9-10,000 रुपये का डेली प्रॉफिट होगा। जब आपका सेल और फिल बढ़ जाए, अब आपको और स्टॉक निकालना तो वहाँ पे 0.50% 50 पैसे प्रॉफिट लेके चलो, 0.50% लेके प्रॉफिट करो। इस ढंग से ऐसे थोक का बिजनेस होता है, सिर्फ और सिर्फ थोक के बिजनेस में माल निकलना चाहिए ना कि माल डंप करना चाहिए। हम परसेंटेज लेके बिजनेस करते हैं, ये ना लेके चलो ज़्यादा परसेंटेज ले, आपके यहाँ से जब माल निकलेगा इसी हिसाब से दोस्तों बिजनेस किया जाता है। और यही है बिजनेस करने का सबसे सीक्रेट फार्मूला, आप बैठिए कुछ नहीं। अब इसमें लेबर की क्या ज़रूरत है, एक लेबर चाहिए। अभी आप करेंगे खर्चे की बात, इसमें खर्चे अभी तक तो आप यहाँ तक जब थे तीसरे पोजीशन पे, जब आपको कम माल लाना था तो आप जाके डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से ले लीजिए, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास माल ज़्यादा हो गया, आपके पास सेल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कंपनी के जो एजेंट होते हैं, कंपनी के जो मैनेजर होता है, वो खुद आके आप कॉन्टैक्ट करेगा और डायरेक्ट कंपनी से माल आपके पास दे देगा। आपको माल लेने भी जाना नहीं है, किराया भाड़ा खर्चे कहाँ आएंगे, आप एक प्रोडक्ट घर से बेच रहे। अब इस प्रोडक्ट को दो ढंग से बेच सकते हो, आप अपने घर से बेच सकते हो या आपने आप मार्केट में जो बड़ी हो छोटी मार्केट कहीं पे भी किसी साइड में जिस तरफ से ज्यादा लोग निकलते हो वहां पे एक बोर्ड लगाइए, एक तखत रखिए, उस तखत पे सुबह आप माल फजा दीजिए और उस बोर्ड पे लगा दीजिए आज का रेट और आराम से धुआंधार बेचिए। अब इस बिजनेस को जब करेंगे दो तरह से फायदे होंगे, ये भी हम आपको बता देते, लेकिन पहले हम बिजनेस के नाम से पर्दा हटा देते। ये बिजनेस है दोस्तों मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। अभी सरसों का तेल आपको अपना पैर के नहीं बेचना है, आप गला भी काट देंगे कि मैं एकदम प्योर बेचा हूँ, लोगों को विश्वास नहीं होगा। अब जिस कंपनी ने आपके एरिया में अपना विश्वास बनाया हो, ट्रस्ट बनाया हो, जिस कंपनी का तेल सबसे ज़्यादा बिकता है उसी कंपनी के तेल का आपको बिजनेस करना है, ना कि अपना ब्रांड बना के, तो उस कंपनी का आपको किसी को मोटिव करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक बिकेगा। जब आपके यहाँ से इतना ज़्यादा सेल होगा तो कंपनी अपने आप 1-2% या 0.5% आपको इंसेंटिव भी देगी, उधर से भी इनकम होगा, क्योंकि आप इतने का सेल डेली दे रहे हैं, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख का सेल आप एक पर डे दे रहे हैं, तो दोस्तों उसी तेल का आपको बिजनेस करना है। अभी आप समझा देते हैं हमने कैसे किया। मान लीजिए उस तेल की आज का रेट, यहाँ पे हम फार्मूला शेयर की रहे हैं, जैसे हमको अगर मैथ लगाना है, मैथ का हमको फार्मूला आ रहा है, डिजिट कोई भी हो तो हम फॉलो कर सकते हैं, तो इसलिए हम रेट यहाँ पे नहीं डिसाइड किए हैं। ब्रांड नेम इसलिए नहीं डिसाइड किए हैं क्योंकि हमारा किसी कंपनी के साथ कोई टाई अप नहीं है, हम सिर्फ यहाँ फार्मूला शेयर करते हैं, अगर हमको फार्मूला आ रहा है तो कोई भी बिजनेस हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फार्मूला है, तो मान लीजिए आज की रेट में समझने के लिए हम आपको बता देते हैं कि कितनी सत्यता है। आपको लग रहा होगा मैं हाई फाई बता रहा हूँ, मैं कोई हाई फाई नहीं बता रहा हूँ। आज आप जाइए अपने एरिया में, अपने बाजार से तेल खरीदिए,
तेल जब आप खरीदने जाएंगे, सरसों का तेल मान लीजिए आज का रेट उस पर 175 लिखा है, तो आपको 165 रुपये में मिलेगा, लेकिन वो दुकानदार को कितने मिला होगा, वो दुकानदार को 140 में मिला होगा जो होलसेल का करता है। तो 140 रुपये में उसको मिला, वो कितने का प्रॉफिट लिया, 15 से 20 रुपये एक पैकेट पर ले रहा, 10 रुपये से नीचे कोई प्रॉफिट नहीं लेता है, कितना भी बड़ा दुकानदार हो दोस्तों, 10 रुपये से नीचे कोई प्रॉफिट नहीं लेता है। आप यहाँ पे कितने का प्रॉफिट ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3%, 3% के हिसाब से आपका 4 रुपये ले रहे हैं, तो जब 4 रुपये पीस पे आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कितना बिकेगा। और जब आप 2% पे उस बिजनेस को करोगे, 15 × 2 = 30, आप उस समय 2 रुपये से 3 रुपये ले रहे हो, तो 2 से 3 रुपये कोई 150 रुपये लगा के सब कमाता है, सबको ये पता है। आप अपना रेट भी खोल दोगे, मुझे इतने में खरीद मिला है, मैं इतने बेच रहा हूँ, तो भी आराम से बेचेगा, लेकिन रेट नहीं खोलना है। मैं इस तरह से आपको बिजनेस करना है तो ऑटोमेटिक पूरे एरिया के सब लोग ले जाएंगे, और उसके बाद जब ये बिजनेस आपका बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके यहाँ रिटेलर और थोक वाले सब उठा के ले जाएंगे, तब आपको एक और प्रॉफिट होगा। जो आप यहाँ पे पूंजी लगा रहे हैं, पूंजी भी नहीं लगाना होगा, जिस कंपनी का 10 लाख का सेल पर डे हो रहा है वो कंपनी ऑटोमेटिक आपके यहाँ माल गिरा जाएगी, ऊपर से इंसेंटिव भी देगी, ऊपर से आपको टूर भी कराएगी कि चलिए घूमिए टहलिए। तो थोक करने का बिजनेस सीक्रेट यही होता है, इस ढंग से बिजनेस कर सकते हैं। अब एक प्रॉफिट और आप कैसे ले सकते हैं, अभी आप यहाँ पे मुफ्टा डायल बेच रहे हैं, अब इसमें 2-3 तरह के तेल, मुफ्टा डायल में 1 लीटर का हमने यहाँ पे बात किया, अब इसमें आप 0.5 लीटर के भी रख सकते हैं, इसमें आप 5 लीटर के भी रख सकते हैं, इसमें आप 10 लीटर 15 लीटर का टीना भी रख सकते हैं, इसमें आप रिफाइंड सोयाबीन भी रख सकते हैं, इसमें आप तिल का तेल भी रख सकते हैं, इसमें आप डालडे भी रख सकते हैं, मूंगफली का तेल भी रख सकते हैं। अब आप वहाँ पे तेल हो गए, अब इसको पॉपुलर कैसे करना, जैसे मान लीजिए आपका जो नाम है, मान लीजिए जो भी आपका नाम हो, मैं नहीं जानता हूँ, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपका नाम रामू है, RamuTelwala.com नाम एक फर्स्ट क्लास बैनर छपवा दीजिए, उस बैनर का बोर्ड लगवा दीजिए, उसी का पंपलेट छपवा दीजिए और पूरा पंपलेट पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। पंपलेट पे ये लिखना है आज का रेट, आज का रेट जो आप बेच रहे हो अपना घटाए पे 2% के हिसाब से जो जा रहा है, मान लीजिए आज का रेट आपका 150 में खरीद है, आप उसको 3% 450 ये आज का रेट वहाँ डाल दोगे, 154 रुपये में मेरे यहाँ तेल मिल रहा है, ये डाल के डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ऑटोमेटिक लोग आपके घर से आके ले जाएंगे, 1-2 बार आपको बताने की ज़रूरत है, फिर पंपलेट भी नहीं बांटना होगा, वो जो कस्टमर हैं सारे आपके खुद दुकानदार वो प्रचारक बन जाएंगे और उसका खुद प्रचार करेंगे। इस ढंग से इस सीक्रेट बिजनेस से दोस्तों आप आसानी से कर सकते हो। अब धीरे धीरे जब आपका बिजनेस का नॉलेज हो जाएगा तो उसमें आप अपना ब्रांड भी बना सकते हो, एक आध ब्रांड बना के आप भी घुसा सकते हो, फिर जब ये ब्रांड का आप पॉपुलर कंपनी का जब आप बेचोगे तो इसमें कुछ लोकल छोटी मोटी कंपनियाँ होती हैं, वो खुद आके कॉन्टैक्ट करेंगे, भैया साइड में मेरा भी रख लो, तो वहाँ पर आपको जो 2% पे काम करें वहाँ पर आपको 5% मिलेगा, चूँकि पूरा नया प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट को आप मोटिव करोगे तो आपको ज़्यादा कमीशन देते हैं। तो ये होते हैं सीक्रेट फार्मूला, आप दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं, ये सीक्रेट कोई बताता नहीं दोस्तों, इसलिए मैं ये सीक्रेट बता रहा हूँ। इस तरीके से आप बिजनेस करके जो ऊंचाई चाहते हो ऊंचाई छू सकते हो, होलसेल बिजनेस करने का यही सबसे पुराना सीक्रेट फार्मूला है। इस फार्मूले से दोस्तों बिजनेस करिए, तेल का बिजनेस करिए और आगे बढ़िए। तो जब भी आपको बिजनेस करना हो, आप बिजनेस की जब भी आप न्यू रखिएगा, शुरुआत करिएगा, आपको कहीं से कोई भी जानकारी चाहिए, कहीं भी आपको दिक्कत लग रही हो तुरंत पूछिएगा, मैं वो तुरंत जानकारी आपको पहुंचा दूंगा, और जहां तक पूरा मैं प्रयास करूंगा कि आपके बिजनेस को सफल बनाने के लिए। आप एरिया सब कुछ अपना बताइए, आप किस एरिया से हैं, कहां पे करना चाहते हैं, आपके एरिया का ब्रांड कौन सा नाम है, उसकी MRP क्या है, आप हमको सब बताइए, मैं आपको बता दूंगा कितने में आपको पड़ेगा वो, कितने में आप इसको कैसे बेचना है, सारी जानकारी आपसे शेयर कर दूंगा और मैं आपको एकदम सफल बिजनेसमैन बना दूंगा। दोस्तों ये हमारा अपना 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं यूट्यूब चैनल पे आया हूँ कि सबको सीक्रेट जानकारी दिया जाए और सब लोग अपना बिजनेस करें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। अगर वीडियो लग रहा है कि हमारे लिए इस चैनल पे अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।